दादा नाता से मैं खड़े बन सकूंगा। सुपुत्र है जो विधायक बलवान जी, कदे खेती खेत में गेड़ा, कदे खेत में हड़बाए कर दो तो आपके जमेड़े के झलका को पता होवे। बिल्कुल खेती उजड़ेड़ा होते जमीन उजड़ेड़ा आदमी बिल्कुल खेती करोड़ी है कारण मन 2 महीना पहले कहे मैं 1000 वोट लूंगा। कोड चढ़ रहे है के थाने कौन चढ़ रहे हो खूब पणा वो नाचागा थे मैं तो तैयारी हुई भी नाच ली मैं तो। बलवान जी के पूरे घर के अंदर है एसी खटे भी कौन लागेड़ी। ई टाइम आप मौजूद हाँ भादरा विधायक कामरेड बलवान पुनिया का गांव मलखेड़ा के अंदर। बताना चाहूंगा आप आज मलखेड़ा गांव में पहुंचे हैं और जानांगा कामरेड बलवान पुनिया विधायक के निजी जीवन के बारे में, बंगी जिंदगी के बारे में, बंग परिवार का सदस्य के बारे में, घर कर घर के अंदर कौन कौन है और के मलखेड़ा गाँव के अंदर के विधायक जी आपका गाँव में के विकास कराए हुए और भादरा में के विकास कराए तो जानांगा लोगों से अठका लोगों से और जो विधायक जी का जो परिवार का सदस्य है बंगा पिताजी है बंग सके सारा सा बातचीत कराँगा। तो वीडियो है जो बड़ी ही अच्छी होना रही है तो है लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। तो भादरा विधायक बलवान पुनिया के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं आपा और सारी भीड़ देखा ला रहे थे। भादरा विधायक बलवान पुनिया जी का पिताजी है छोटू राम जी पुनिया और बाकी देखा ला रहे थे काका की ताया की दादा की भीड़ लग रही है। और अभी बलवान जी आप अठा है कोनी जयपुर विधानसभा के अंदर है विधानसभा सत्र चला लग रहे बैठे तो बातचीत को सिलसिला जो आगे जारी कराँगा। कॉलेज की राजनीति में शुरुआत करी बलवान जी और ये ऊपर चलो चुनाव भी लड़े हो जो हार गया कुछ वोटा अब का चुनाव लड़े हो तो भारी बहुमत जीत्या और कामरेड पार्टी चुनाव लड़े हो और मतलब किया किसुक लगा था नहीं कदे हो गए लाग तो हो गए मतलब बेटो विधायक बन जाऊ नहीं लागना तो पहले के पता चला बन जाने जो पहले स्टार्ट करी कॉलेज जीवन चुनाव और बाद में LLB करने तुरंत बाद आ गए उरे जोन में चुनाव लड़े हो गए मैं अच्छे वोटों जीते हो मैं बाद में चमक दिखने लगी भी विधानसभा के चुनाव की तैयारी करने लगी तो जो चुनाव की तैयारी करे पहले चुनाव में संघर्ष करो 15,000 वोट आया दूसरे चुनाव में संघर्ष करो 38,000 वोट आया 38,000 वोट आया जो महसूस होने लगे भी विधायक बनेगा अगले चुनाव में 82,000 वोट आया। विधायक का पिताजी मैंने खुद ने बड़ो गर्व महसूस हो रहा है विधायक के पिताजी के बराबर बैठे हूँ सागे बैठे हूँ तो यहाँ गाँव में निकलो यहाँ पगड़ी पुगड़ी बांध गए यहाँ प्राउड तो होगा थाने मैं विधायक को बाप हूँ नहीं प्राउड रहे तो कोई न्यारी बात को नहीं बाकी ये तो एक प्रकृति को नियम है संभव ही देखो जनता जो कहने बना दिया बैंक बाद में गार्जन आगे तो महसूस हो ही है तो लोग तो कहता होगा भैया एक कौन है छोटू राम जी को नहीं विधायक का पिताजी है विधायक का पिताजी है मैं लोग के मैं तो जनता नहीं सब कुछ मानू एक छोटू राम जी एक बात कहना चाहूँ एक पिता खातर वो सारू गौरव को विषय हुआ है जब औलाद का नाम पिता जानी जाए और आज आ चीज है थारा सुपुत्र है बलवान पुनिया जी साकार कर दिए तो माँ बाप खातर यूँ बड्डो तो हर्ष को विषय और गौरव को विषय कोई दूसरा हो भाई को ये तो है ये तो बिल्कुल सही है गौरव तो है जाओ तो कहता तो होगा कौन है विधायक का पिताजी विधायक का पिता बिल्कुल स्वाभाविक बात है तो हर एक आदमी कहे पूरा कौन जयपुर तय कहे लोग दुआ सलाम भी करें या तो पेशो तो खेती जुड़ेड़ा होते जमीन जुड़ेड़ा आदमी बिल्कुल खेती करोड़ी है खेती भी जुड़ेड़ा मैं तो थोड़ा बिजनेस भी करियो बाजार में और राजनीतिक परिदृश्य तो मारा हमेशा ही है मैं भी बीच गया पंचायत पहुंचो थे चुनाव में भाग ले रहे है तो वो जुनून है बलवान का जुनून है बलवान का चाचो है भोपड़े कर दो अजमेर 80 के माँ कॉलेज को अजमेर में प्रेसिडेंट रहे कृषि संक्राए को तो जुनून तो हमारा परिवार में भी खेती की बात करें तो थारा सुपुत्र है जो विधायक बलवान जी कदे खेती खेत में गेड़ा है कदे हल बाइडो है कदे खेती कर रेडी है फसल बाइडी कदे और बलवान इतनो तकड़ो काम कर रहे है खेत में हड़बाए कर दो जो भी टाइम मिलियो सहयोग करे करता मेरा पानी लगाना हो तकात लकड़ी लानी अपनी मम्मी आगे सारा घर का काम करना ये हमेशा है बचपन आदत है काम में मेहनती है बचपन तो काम करे सारो सब कुछ जाने हो खेती में जुड़ो है इसी बात को नहीं शिक्षा में 60 दिन तो कौन करे बने कदे घर कौन बैठा पानी लगाना है या टाइम मिल गया तो मैं खेती करे कर दो मेरा काम में सहयोग करना मैं हमेशा ही भाग लिए दोनों भाई हैं एकदम बड़ो भाई है वो भी सहयोग करे कर दो वो भी ग्रेजुएट है और अब है राजनीतिक में सक्रिय हो गया तो कितना टब्बर है छोटू राम जी धरा मेरे दो बच्चे हैं दो लड़की हैं अब गहराई में जानना चाहूंगा छोटू राम जी शुरुआत खड़ू हुई कौन से सन की बात है और के चीज को चुनाव लड़े पहले चुनाव और थारो भी टाइम के रिएक्शन चुनाव पहले चुनाव जो जिला परिषद पहले चुनाव कॉलेज में लड़े हो वो सन तो मेरे ध्यान में इतने तो मैं गहराई में ध्यान कौन करे कॉलेज चुनाव में पराजय हुई कौन सा कॉलेज हो NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ तो जब चुनाव को जब पर्चो वगैरह भरियो तो थाने घर आगे बताए थे कि मतलब शबाशी दी की रोला करिया नहीं नहीं तो घर आगे तो खड़ा बताओ हनुमानगढ़ बाद रहा हो तो बहुत डिफरेंस है
तन पतो लागियो जे थारो के रिएक्शन रे पतो तो आपके जमेड़े के झलकांगो पतो है बिल्कुल सब बेटे रोला रोला करे के कर लाग रिया छोड़ क्यांगा चुनाव है। देखो गार्जियन का काम है बच्चे को पढ़ाना शिक्षित करना, जब ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद में बच्चा अपने शिक्षा का साफ देख करती यही होता है कि वो अपने पगों पर खड़ा है और अपना आप खुद क्या करना है वो खुद की च्वाइस होती है, उसमें गार्जियन का कोई लेना देना नहीं रहता। मैं तो इसी विचारधारा का आदमी हूँ तो ये फ्रीडम ही है। तभी के बाद के अंदर जो जोन को चुनाव लड़े जिला परिषद सदस्य को वो चुनाव जीत गया। हाँ वो जीत गया और लास्ट आरो जिको चुनाव लड़े लाडलो चुनाव विधानसभा चुनाव इत भारी बहुमत जीत मिली है यहाँ अंदेश हो के था मतलब इतो प्यार जो भादरा की जनता देवेगी नहीं ओ मैं तो इतना बार कौन जाऊँ बन जनता को जो हवाओं लागी बाजारों बारू और आपको इतना पूर्ण कॉन्फिडेंस हो कारण मन दो महीना पहले कहे मैं 6,000 वोट लूंगा मैं पर विश्वास करियो और जनता 83,000 वोट दे दिए एक तरफा ही गया भाई लोग अच्छा बहुमत दिए लाला दिन आड़े मुख्यमंत्री भी आगे गए। हाँ मुख्यमंत्री निवास पर भी आया प्रोग्राम हो वहाँ आया और फिर घर निवास पर भी आगे निवास पर भी आया बिल्कुल मुख्यमंत्री जी तो आपका है सरकार बचाना रहा है बिल्कुल पीठ तब बिल्कुल पूरा भी प्रशंसा करा कभी हमारे को तो मचाने वाले की बिल्कुल अभी बहुत गौरव की बात है सरकार बचाना बिल्कुल संघर्ष करे जी पार्टी के उस दौर में कुछ ऐसी भ्रांतियां हो गई तो इसको कुछ टाइम के लिए निष्कासित कर दिया परंतु इसने कांग्रेस की सरकार बचाने पीछे नहीं हटा इसलिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है। एक मुख्यमंत्री वो समझता है कि एक पहली बार विधायक बने हुए को पार्टी अगर ऊपर दबाव बनाती है उसके बाद में भी सरकार को बचाता तो उसमें एक ताकत होती है उस ताकत को मुख्यमंत्री ने एहसास किया और ये वो अपने भाषण में कहता भी के नाम है दादू जी धारो काशी राम जी पुनिया काशी राम जी पोतो विधायक है भाई कोड चढ़ रहे थाने कौन चढ़ रहे हो नाचन जी करे कौन चढ़ बड़ो भारी नाचू मतलब अब वापिस आ रहे चुनाव है केला क्या अब क्या बिल्कुल भाई भादरा की जनता प्यार देवा लाग रही है थाने। हाँ, किसो को लाग रही है पहले था, मैं विधायक को दादो है बहुत तो गर्व तो हो ही है विधायक को दादो और फिर विधायक काम बहुत करे तहसील में सारा काम कर दिया पानी और सब घर घर टूंटी लगा दी ढाणिया में सारे पानी पुगा दियो बड़ी बात और क्यों है सड़क काम बनवा दी पर अब विधायक का दादो के लाना अभी सारों बड़ी बात है। हाँ ये तो है ही काम गणा ही करे विधायक अब का फिर बनवा को पर वो नाचेगा थे मैं तो तैयारी हूँ बना चली मैं तो थे नाचेगा के छोटे राम जी अब के चुनाव में बिल्कुल नाचा बिल्कुल नाचेगा दादा नाचा मैं खड़ा बन चूंगा जी तारा पिताजी भी नाचन में तैयार हो रहे हैं और अब के चुनाव वापिस आना रहा है चुनावी साल है तो रिजल्ट आया बाद के अंदर भविष्य के गर्द में छुपे हुए वो तो इसो मौको है तो मैं जरूर अड़ा पहुंचाऊंगा और विधायक जी के पिताजी ने और दादाजी ने नाश्ता दिखाऊंगा पहुंचाओ थारा स्वागत है। विधायक जी का परिवार का सदस्य और मैं रूबरू कराऊंगा आज तक जो कोई देखियो को नहीं होगा विधायक जी को परिवार के तरीके को जो भादरा की जनता है जो हनुमानगढ़ की जनता है और भी चीज दिखाना आज पाड़ा पूछा अब काका की संख्या है बहुत ज्यादा है एक तरह को पहिया केस कहाँ चाहे लंबो चौड़ो परिवार है विधायक जी को थारो के नाम है रामेश्वर जी रामेश्वर जी पुनिया ठेके लागो काको अच्छा काका लागो तो भाई सा लाग रहे हो जवान सा पूरा थे काको लागो मैं एमो ही काको सुनता कोई काको दोनों काको में तो लाड़ लगे नाचे आगे खूब नचया जाहिर सी बात है एक गांव एक नौजवान लड़को और इतने संघर्ष करी इतनी मेहनत करी बाद में विधायक बने तो खुशी का माहौल बिल्कुल बने और नाचना भी स्वाभाविक है। थारू के नाम है महेंद्र महेंद्र जी थे काका ही लगे मैंने काका काका काला बाला दिख गया मैंने राइड भी राइड ही है ताजे डाई कौन करली डाई कौन करली ना दौड़ा पाना है बस काला है ना साइड ठीक है बढ़िया रह रहे हैं कदे कदे करा ले ना डाई करा मैं कोनी कदे कौन करे ना कदी कुदरती है जवानी कुदरती है बढ़िया नाचे के थे भी नाचा मैं सारों का जमीन नाचूं यही नाचे के सारों ज्यादा सब चीज ज्यादा अब का केला गया चुनाव में घणे वोटों जीता मैं सारा गांव में दुगुना होवेगा हां सारा गांव में दुगुना के रुझान है बड़ी बढ़िया रुआ किसान सभा का भी अध्यक्ष है साथ में बलवान जी है ना है सारा घने घने चुनाव लड़ रहे हैं। बलवान पुनिया जी को जो पैतृक निवास है वो थान दिखाना चाहूँ जो घर है मैन और घर के अंदर आप बढ़ चुके हैं और बलवान पुनिया जी का पिताजी अपने साथ के अंदर और जिया की थे देख पावला रे एक किसान की अगर आप बात करें विधायक बात के अंदर है पहला किसान है और वो देख पावला रे होते कितो टाइम हो गया करने सन 1970 में रंग रोगना बारे कोई कराए तो आपने बच्चा ही शादी एक साल पहले रंग पॉलिश करवाए अंदर दिखाना चाहूंगा थाने बलवान जी को घर है किसान विधायक को है वो घर है जिया की देख पावला रे एंट्री हुए बाद के अंदर इनने से सारो पुरानो घर है विधायक बने बाद के अंदर भी घर वो ही है ना तेवर बदले ना कोई बात सारी की सारी चीजें भाई है वरना विधायक बने बाद के अंदर तो तेवर भी बदल जी अगर है सारी चीज बदल जी अगर है लेकिन घर वगैरह वो ही है पुराना घर है तो कितना सदस्य हो रहे ना
बलवान जी जोड़े के टावर सदस्य तो चार तो पोता पोती है और चार बलवान और विशेष होगी और एक मैं हो गया पुत्र वधू है मतलब कुल मिला के 10 एक जना हो रहे हैं। विधायक को संयुक्त परिवार है इलाहाबाद से है वो जन सुनवाई खातर है वो बनाडो बड़ा जन सुनवाई वगैरह है वो ही है और अठा है जो विधायक जी आप ही घर के अंदर रह करे विधायक को घर अपना ना कोई भी विधायक अगर आप बात करें तो अपना राजस्थान का जितना भी विधायक है सारा कोई कोई घर देखे सबका घर अपना ना आलिशान मिलेगा बंगलो टाइप के अंदर मिलेगा लेकिन अठा जो घर है वो पुराना टाइप के अंदर घर है एक विचार करने की बात है और सारा मतलब यकीन से कोनी हो इस तरीके की बात है। बलवान जी के पूरे घर के अंदर है ऐसी खटे भी कौन लागेड़ी ये पूरा घर को मैं एक एक चीज चप्पो चप्पो छान मान ली घर के अंदर एसी कौन लागेड़ी यानी कि इतना गर्मी के अंदर भीषण गर्मी के अंदर प्रत्येक विधायक के घर एसी कौन बहुत सवाल करने वाली बात है। ताऊ जी थे तार ग्राह एसी को लगा रखी भाई विधायक का ग्राह एसी कौन बिल्कुल कौन लगा रखी कूलर काम लिया कूलर लगा रखे हर रूम में जो एसी तो आजकल प्रत्येक आदमी घर दिखा और विधायक का ग्राह एसी कौन एसी में सगे घर का काम करे मैं गृहस्थी आदमी सानूगा भी मैं कोई काम कौन छोड़ो तो एसी के नीचे रंग में काम परिवार सीमित है वो पुत्र वधू है सारी काम करें पोता पोते काम करें तो वैसे ही नीचे बैठे हैं काम क्यों करो। तो आज आप आएडा हा भादरा तहसील के गांव मलखेड़ा के अंदर और विधायक है बलवान पुनिया को गांव है मलखेड़ा और विधायक का जो पिताजी है छोटू राम जी बंगसा का बात करी बहुत कम लोगों ने है विधायक के पिताजी का निजी जीवन के बारे में निजी जिंदगी के बारे में पता तो विधायक जी का पिताजी ने आज दर्शक आगे लेके आए हैं। विधायक जी को जो पूरा परिवार है कहना ना पाई किसका एक तरीका हूँ संयुक्त परिवार है एक तरीका हूँ लंबो चौड़ो पूरा लंबो चौड़ो परिवार है और सबका सब आगे सारा से आप बातचीत करी वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थरी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में दे बेल आइकन का बटन दबा दो और ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गांव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इस नंबर पर थे माने फोन करो मैसेज करो मैं तारा गांव में पहुंचूंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं दर्शकों विधायक को परिवार थाने के तरीके को लागे विधायक को घर के तरीके को लागे एक विधायक को पुराना तरीका वो घर है जो भी थारी प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। कैमरामैन रियान के साथ में मैं आशु जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।